वर्ड्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन, मेरे पास थाई का गोश्त है, मैंने साफर पे रखा हुआ 1.5 किलो मेरे पास चिकन है। लहसुन मैंने भून लिया अच्छे से, भून गया मेरा लहसुन, बारीक हो गया, बस इतना सा मैं करना था। मैंने देखिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं गोश्त ऐड करूँगी, सारा गोश्त। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, काली मिर्च इसमें ऐड करूंगी और हाथ की मदद से मैं अच्छे से इसको मस लूंगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया सारी चीजों को, 15 मिनट के लिए मैं रख दूंगी इसको कवर करके। अब मैं प्याज की तैयारी करती हूँ। एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैं 2 बड़े साइज की प्याज डाली, मैंने कटिंग कर ली है, प्याज ऐड करूंगी। 1 कप मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी, 2 चूल्हे की फ्लेम मैंने लो रखी है। अब मैं इसको गोल्डन करूंगी, लाइट गोल्डन। बस देखें हमारे ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, देखिए थोड़े से रह गए हैं। इसमें फिर मैं गोश्त ऐड करूँगी, जो मैंने मसाला लगा के रखा हुआ है, 15 मिनट हो गए हैं उसको भी। लाइट ब्राउन हो चुके हैं प्याज, मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी, ये सारा गोश्त मेरा इसमें चले जाएगा। जो मसाले आप इसमें जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या इसमें ऐड करना है, बहुत ही मज़े का बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। 1 चम्मच भर के इसमें मैं मिर्च का ऐड करूंगी, ये मेरे पास मिर्च है मिक्स की हुई, हम इस तरह रखते हैं जार में बना के। अदरक है, इसमें लहसुन है और सब्ज़ मिर्च है, थोड़ा सा नमक है और सूखा मिर्च है। हाफ टेबल में इसमें हल्दी ऐड करूंगी, ये जीरा और सूखा धनिया है, कुशल धनिया का पाउडर बनाया हुआ मोटा। देखें अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें मैं दही ऐड करूंगी, इसी पॉइंट पे ये पकेगा और गलेगा। 1 कप मेरे पास दही है, 1 कप इसमें दही चला गया। अब मैं इसको मिक्स करके अच्छे से कवर कर दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से कवर करके रख दूंगी, 15 मिनट बाद देखूंगी इसको, 5 मिनट के वक्त में देखूंगी, 20 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें अब मैं इसको अच्छे से कवर करके रखूंगी, 5 मिनट बाद इसको देखूंगी। देखें 5 मिनट हो गए हैं, मैं इसको देखती हूँ क्या इसकी हालत बनी हुई है। वाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अभी तक ये पकी नहीं है, कच्ची है। 5 मिनट बाद मैंने देखा था, 20 मिनट में ये पक जाएगी इंशाल्लाह अच्छे से बिल्कुल। हाँ जी देखिए चिकन बिल्कुल पक के तैयार है, बहुत ही अच्छी बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही पूरे किचन में। अब मैं इसको सर्व करूँगी। देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितनी अच्छी इसकी लुक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।